नमस्कार, हम लोग हैं आज आनंदवन में। ये देखिए, ये आनंदवन है। और आनंदवन का जो उद्घाटन किया था, ये उत्तराखंड सिटी फॉरेस्ट है। इसका जो लोकार्पण किया था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया था। मुख्यमंत्री हैं अभी हरक सिंह रावत, ये पुंडीर, ये सब चीज़ें। और ये राष्ट्रीय पक्षी मोर का इन्होंने दिखाया हुआ है। अगर इसके अंदर आप आएँ तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे आप इसमें देखिए तो इसमें आप मेडिसिनल प्लांट हैं, सीता वाटिका है, और ये सब चीज़ें आप पढ़ते चलिए। वाटर फाउंडेशन है, चिल्ड्रन पार्क है, वाटर के बारे में कुछ बताना है आपको, जंगल रोड है, ETC साइकिलिंग के लिए आप ट्रायल कर सकते हैं, आनंदी बुग्याल है, वाटरफॉल बनाया हुआ है, ट्री हट्स हैं, ये सारी चीज़ें। और इसका जो प्रवेश द्वार है, हम लोग एंट्री कर रहे हैं अंदर, और इस द्वार है उस पर आपको ये लिखा हुआ है आनंदवन, और एक ऐसा लेपर्ड उसमें बैठा होगा। और उसके बाद फिर आपको आगे जाना है। यहाँ पे पार्किंग की भी सुविधा है, आप आ सकते हैं, अपनी पार्क कर सकते हैं। और ये जो है ब्रॉन्स है, ये ब्रॉन्स है जो यहाँ का राज्य का वृक्ष है, इसको इन्होंने बनाया हुआ है। ये टिकट काउंटर है, इसमें आपको 50 रुपये टिकट लगता है, प्रत्येक व्यक्ति का 50 रुपये। इसके दो एंट्री गेट हैं, एक तो ये है जहाँ पुलिस खड़ी हुई है, इसके सामने से आप एंट्री ले सकते हैं, और दूसरा ये जो सामने रास्ता है, तो हम लोग सामने से शुरू कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या है। ये देखिए, दूसरा ये आपको मिलेगा, ये है कस्तूरी मृग जो कि राज पशु है। ये देखिए, और एक है ये ब्रह्म कमल जो कि राज पुष्प है। ये ब्रह्म कमल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये विष्णु जी को चढ़ता है, और ये कमल पानी में नहीं होता बल्कि चट्टानों में होता है। और इसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि ये पर्वतीय क्षेत्र में होता है और चट्टानों में मिलने वाला ये कमल है। अब हम अंदर की ओर चल रहे हैं। ये देखिए, इनकी पूरी सुविधा है, आप गाड़ी अंदर ला सकते हैं, उसका आप चार्ज दीजिए और आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। सबसे पहले आपको दो एंट्री गेट है, एक तो वो है, एक आप यहाँ से भी अंदर जा सकते हैं, जो कि बच्चों के खेलने की जगह है, बच्चे इसमें खेल रहे हैं, बड़े भी खेल सकते हैं लेकिन ज़्यादातर बच्चे खेलते हैं। और दूसरा ये है जो कि आनंदी बुग्याल के लिए जाता है, और एक एंट्री गेट हमारा ये है, हम उसी एंट्री गेट की ओर चलते हैं। ये है, आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। उत्तराखंड वन विभाग एक नज़र में ये लिखा है, इसको ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है, यहाँ देख लीजिए आप। ये बाघों की संख्या हम तीसरे स्थान पर लिखा है, इसमें पाया जाने वाला सारी इन्फॉर्मेशन ये दी गई है। चलिए आगे चलते हैं। लोग फोटो खिंचा रहे हैं, वहाँ पर एक हाथी बनाया गया है, स्टैचू है वहाँ पर, एक यहाँ पर भी है, वहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर चलते हैं। ये देखिए, ये देखिए, सब इन्फॉर्मेशन इसके बारे में लिखी है यहाँ पर। अब आगे मैं आपको ले चलता हूँ, यहाँ पर एक पृथ्वी दिखाई है और इसके ऊपर से ये पानी आ रहा है आनंद वन में। और ये देखिए, यहाँ पर साहसिक जो खेल होते हैं उनके लिए भी बनाया गया है पूरा, आपने देख रहोगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इसमें कैसे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर अब दिखाता हूँ आपको, ये ट्रैकिंग भी हो रही है वहाँ पर ऊपर, देख रहोगे आप। ये भी देखिए, यहाँ से पूरा बनाया गया है, ये देखिए, अभी मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से।
ये देखिए आप, देखिए ये देखिए आप, दिख रहा होगा आपको, यहाँ से लगे हो अजगर यानी पाइथन के बारे में बताया हुआ है। ये स्पेशली जो है वो अपने एनवायरनमेंट एजुकेशन के लिए बनाया गया है ये, लेकिन ये अभी चूंकि नया ही बना है, अभी ओपन ही हुआ है 2-3 महीने पहले, हम लोग अभी आ गए, अभी इसको और भी नई चीज़ें इसमें उन लोगों को शामिल करनी है। और ये जो उन्होंने बनाया ये है कि इसमें हम सारी इंफॉर्मेशन दे सकें ताकि बच्चे उस चीज़ को जानें कि ये चीज़ें क्या हैं, और स्कूल की काफ़ी ज़्यादा यहाँ टूर लगाए जाते हैं ताकि इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी ले सकें। जितने भी हैं सारे इन्होंने स्नैक्स यानी कि सर्पों के बारे में बताया हुआ है, इनकी हैबिट्स क्या होती हैं, क्या ये खाते थे, तो ये इन्होंने सारी चीज़ें इसमें दिखाई हुई हैं। ये ज़्यादातर इसमें रेप्टाइल्स हैं, ये पक्षी, ये चीज़ें रेप्टाइल्स हैं। और ये देखिए ये है, आप इसको देखिए, ये इसके बारे में सारी चीज़ें बताई हुई हैं। लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, सेल्फी आप ले सकते हैं। ये देखिए ये है नेवला, सूचित किया जाता है कि आनंदन में लगाए गए जानवरों के मॉडल को न छुएं, दूर से ही फोटो खींचे। आनंदन में अर्बन गार्डन वाटिका, सीता वाटिका, अक्षत वाटिका, मोग्रा वाटिका, बटरफ्लाई, एडवेंचर, टी हट, भुग्याल, वाटरफॉल का भी आनंद है। ये देखिए ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ एक बार, क्या करें जब आप सांप को देखें। तो देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये ब्रह्म बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए, ब्रह्म कमल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से लिखी हुई हैं। उत्तराखंड सरकार का ये वन है, लिखी हुई है तो गलतियों की कोई संभावना है भी नहीं। तो यहाँ देखिए यह रेप्टाइल्स के बारे में लिखा हुआ है, पूरी चीज़ें उसमें दे रखी हैं रेप्टाइल्स के बारे में, आप लोग देखें आएँ। और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने दी हुई, आनंद वन देहरादून, ये जो आपको मिलेगा वो मिलेगा चक्राता जो रास्ता जाता है देहरादून से वहाँ पर। ये देखिए आप, ये उत्तराखंड सरकार ने इसको डेवलप किया है, और इसमें ये छोटा सा एक पार्क बनाया हुआ है, हालांकि ये गवर्नमेंट नहीं बल्कि आर्टिफिशियल पार्क है जिसको बनाया गया है। और ये जो चीज़ें आपको सामने दिख रही हैं ये इसको बुग्याल, इसको बोला गया कि क्या है, एक ये बुग्याल है। बुग्याल जो है वो आपको लघु और ग्रेट हिमालय के बीच में मिलते हैं, जो घास के मैदान होते हैं, और उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो बुग्याल है वो बेदनी बुग्याल है। और ये जो आपको जगह दिख रही होगी ये आनंद वन है, और इसमें बुग्याल को दिखाया गया है, और ये देखिए दिखाया गया है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, देखिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं, यहाँ पे चूँकि ये पिकनिक के लिए काफ़ी फेमस है, यहाँ पे पिकनिक लोग करते हैं। तो
ये बुग्याल इन्होंने दिखाया है, और इसका जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है आनंद बुग्याल, आनंदी बुग्याल, आनंदी बुग्याल, सॉरी आनंदी बुग्याल। ये देखिए बुग्याल यानी घास का मैदान, ये पूरा इन्होंने बनाया है। यहाँ पे आप आइए, क्रिकेट खेल सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं, लोग यहाँ पिकनिक कर रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। ये है आपका आनंदी बुग्याल। ये यहाँ की मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। ये सारी जितनी भी उत्तराखंड की फेमस डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, उनकी जानकारी दी गई है। तो आप इस जगह पे आकर के उस चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। जैसे इसमें बद्रीनाथ धाम के बारे में लिखा गया है। ये जो पूरा आपको माउंटेन दिख रहा है, ये जो ऊपर है यहाँ पे अगर आप चढ़ें तो यहाँ से बन को आप पूरा देख सकते हैं। इसका चार्ज उन्होंने 50 रुपये रखा हुआ है, और कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये पूरे बुग्याल में लोग। तो ये देखिए पूरा आनंद आनंदी बुग्याल। और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।